सीधी बात यह है कि ये जो पहला अनाउंसमेंट कांग्रेस में हुआ, ये दो स्पीकर्स जिसने जिनके आपने उनको दिखाया सेट पे टीवी पे, ये तो उन्होंने बाजे कह दिया है कि भाई हम ओवर फ्लाइट कर रहे हैं, और उनका मैसेज ये था हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। पाकिस्तान के दरूनी कर्जे बढ़ गए और पाकिस्तान की सेकुलर डेट यानी गद्दीशी कर्जा भी बढ़ गया। बहुत सोचा मैंने, फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि ये वजह है सीपैक। अमेरिका में हमने ये देखा कि जो उनकी कांग्रेस है वहां पर एक हेयरिंग के दौरान ये बताया गया कि पाकिस्तान की एयर स्पेस अमेरिका जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और मुस्तकबिल में भी इस बात का इम्कान है कि वो एयर स्पेस इस्तेमाल करेगा। खुलकर वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान फजाई रास्ता दे रहा है अमेरिका को। हमारे सीपैक के जो अथॉरिटी के जो चेयरमैन है जनाब वजीर आजम साहब के वो एडवाइजर भी हैं। यूएस कलूडिंग विद इंडिया टू सैबोटेज सीपैक, उनका ये कहना है कि इंडिया के साथ मिलकर अमरीका सीपैक को सैबोटेज करने की बात कर रहा है, सीपैक को जो कामयाब नहीं होने देगा अमरीका, ये उसके मफादात के खिलाफ। सीधी बात ये है कि ये जो पहला अनाउंसमेंट कांग्रेस में हुआ, ये दो स्पीकर्स जिनके आपने उनको दिखाया सेट पे टीवी पे, ये तो उन्होंने बाजे कह दिया है कि भाई हम ओवर फ्लाइट कर रहे हैं, और उनका मैसेज ये था हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, और उनकी इजाजत से कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स उनका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सही चल रहा है मामला इस पे, और बस हम पब्लिकली नहीं डिस्क्लोज करना चाहते। क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों, कि हमने उनको कहा होगा खुदा के लिए पब्लिक मत करो इसको, आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखें। अगर ये चीजें कॉन्फिडेंशियल नहीं रह सकते तो क्या हमारा स्पोक्समैन खड़ा होकर कहेगा कि फ्लाइट्स नहीं आ रहे? अगर वो ऐसा कहेगा तो वो झूठ होगा, और अगर वो कहेगा कि हाँ हाँ आ रहे हैं और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भी सही नहीं होगा। इसके बारे में आप बात जरूर कर रहे हैं मगर आपका कोई इरादा नहीं है रोकने के लिए। देखिए, एक चीज से आप कंफ्यूज ना हो, एब्सोल्युटली नॉट का मतलब नो बेसिस, और उस पे हमने उनको कोई बेस नहीं दिया है मेरे इतला के मुताबिक, मगर एब्सोल्युटली नॉट का मतलब हमने स्ट्रेच किया आगे लेके कहा कि इट मींस नो ओवरफ्लाइट्स, ये गलत था। उनके ओवरफ्लाइट्स हो रहे हैं, होते रहेंगे, मगर उनके बेसिस जो पहले थे इधर अगर आज तक वो रिवाइव नहीं हुए हैं, और हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं कि चाइना के जो उस तरफ जो मीडिया है और वहां पर जो सेंटिमेंट है वो क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनमें असद उमर साहब हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये सब लोग अमेरिका के दौरे हो रहे हैं, और शौकत तरीन साहब भी ये अमेरिका में अभी भी होके आए हैं और पिछले एक दो महीने में मुतअद्दिद दौरे हुए हैं, लेकिन चाइना सी पैक जो पाकिस्तान की तरक्की की जमानत है, वहां किसी पाकिस्तानी वजीर ने अहम शख्सियत ने पिछले कई माह से दौरा उसका नहीं किया। एक ऑफिशियल जो है वो दावा करते हैं कि जनाब अमेरिकन जो है वो इंडिया के साथ कल्यूट कर रहे हैं सीपैक के हवाले से पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, जबकि मीन वाइल उसी दिन या नेक्स्ट डे जो है हमारे दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जाने से इस तरह की जो स्टोरी होती है उसकी तब्दील कर दी जाती है। तो इस वक्त जो एक स्टेट हमारे सामने मौजूद है, जो एक स्टेटस एक हमारे सामने सीपैक के हवाले से है, मुख्तलिफ अगर हम ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट देखें तो वो बड़ा एक जो है ना कंफ्यूजिंग है। आपने देखा होगा कि जहां जहां पाकिस्तान को अपने फाइनेंशियल जो डिसबैलेंस पाकिस्तान में नजर आता है, जो इकोनॉमी के हवाले से कुछ मसाइल नजर आते हैं, तो चाइना की तरफ से माजी में भी गुज़िश्ता तीन सालों में भी और हालिया दिनों में भी हमने देखा है कि मुकम्मल सपोर्ट जो है वो नजर आती है। चीनी मीडिया, चाइनीज ऑफिशियल्स, चाइनीज थिंक टैंक्स, चाइनीज स्कॉलर्स बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, बड़े पॉजिटिव हैं। अमेरिका की इस तरह की इस वक्त साथ खड़ी है, तो इसका मतलब ये कि नो डाउट आपकी चाइना के साथ ताल्लुकात जरूर होंगे, लेकिन आप उन्हें फिर उस लेवल पे मेंटेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त दोनों एक कोल्ड वार लाइक सिनेरियो में मौजूद है अमेरिका और चाइना की जा रही थी। हम देखें कुछ अरसे से वो प्रोजेक्शन भी काफी कम हो गई है, हमें ज्यादा चीजें इसी पर के हवाले से दिखाई नहीं दे रही। चाइनीज गवर्नमेंट का जब से दसू डैम का इंसिडेंट हुआ है जिसमें नौ चाइनीज वर्कर्स जो है उनका मर्डर हुआ था, उसके बाद ग्वादर में एक इंसिडेंट हुआ उसमें भी चाइनीज जो है उनको नुकसान पहुंचा, उसके बाद से चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कंसर्न मौजूद है। कमाल है कि हम अब तक ये सवाल पूछ रहे हैं एक एक को कि अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुकात अच्छा हो सकता है। आपने वेंडी शर्मन का जिक्र सुन लिया, पूरे दुनिया के सामने उसने खड़े होकर कहा कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं है, ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, दे आर डिपेंडेंट ऑन वन और टू डेवलपमेंट्स लाइक अफगानिस्तान जिसमें थोड़ा सा हमारा कोऑपरेशन और ये वो, ये तो कुछ नहीं है, फॉरगेट इट, वो कभी वापस वो रिलेशनशिप नहीं आ सकता जो एक वक्त था। There is no discussion on CPEC, समीर साहब, there is no discussion on CPEC, बगैर CPEC हम खत्म हो जाएंगे। मैंने बहुत सोचा, सोचता रहा मैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा एकदम बढ़ गया, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों दबाव में आ गया, डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, पहले डॉलर को इतना चढ़ा देते हैं कि फिर उसके बाद जब कम करते हैं तो लोग कहते हैं चलो इतने पे तो आ गया, ये ड्रामा होता है। ठीक है नाज़रीन, मैंने सोचा क्या ये पीटीआई हुकूमत की नाकामी है, क्या वजीर आजम इमरान खान साहब पे इसका ब्लेम डाल दिया जाए, जो मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, डॉलर की कदर में भी एक तरह का इतना इजाफा हो गया कि लोग परेशान हो गए, तिजारती खसारे में इजाफा हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा हो गया, उसके साथ साथ ये कि पाकिस्तान के दरूनी कर्जे बढ़ गए और पाकिस्तान की सेकुलर डेट यानी गद्दीशी कर्जा भी बढ़ गया। बहुत सोचा मैंने, फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि ये वजह है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
नाजरीन ये बुनियादी वजह बनी, लोगों ने मेरे ऊपर तोहमत लगाई। मैंने हमेशा कहा कि मैं सबसे पहले तो भाई हमारे जो अशराफियां हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, उनको सलाम पेश करता हूं, उनकी जालियत को सलाम पेश करता हूं, उनकी बेवकूफी को सलाम पेश करता हूं। हमने सीपेक मंसूबा निकाला और सीपेक मंसूबे को जाकर हमने जोड़ा चीन के रेगिस्तान से, वाह वाह कमाल कमाल, वाह 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 वाह, क्या बात की हमने, हमने वो जालियत कर दी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और नोटू किसके लगाए? अपने नोटू लगाए। अब हम तो आपको पता है दुनिया के मांगुए आजम है, सारी दुनिया में मांगते फिरते हैं, भुक्कड़ सारी दुनिया से मांगते ही हमने बनाया ना। हमने क्या किया? सीपेक मंसूबा बनाया अपने पैसों से, अपने तो थे नहीं, कर्जा लिया। कर्जा किससे लिया? जिनसे कर्जा लिया उन्होंने हमारे मुल्क की सड़कें, हमारे मुल्क के एयरपोर्ट, हमारे मुल्क की तंसीबात को गिरवी रखवा दिया। और सड़क जाके मिली कहां सीपेक की? चाइना के रेगिस्तान में। और डिस्को डांस हमने इतना किया मुल्क के अंदर, आज तकदीर बदल, नाउज़ुबिल्ला। सीपेक ने पाकिस्तान की मईशत को जितना नुकसान पहुंचाया उसका तखमीना आप सोच नहीं सकते। यानी हमने कर्जे लेके चाइना के लिए नौकरी चाकरी की, उनको सड़क बना के दी, उनके थर्ड क्लास बुसीदा 2% के रेगिस्तान के अंदर जाकर हमने सड़क मिलाई, डिस्को डांस किए। मकसद उसका यह था कि इंडिया को नाराज करना है। अब इशू क्या है कि इंडिया की खातिर हमने खुद को खंजर मारे, खुद को नुकसान पहुंचाया। इंडिया की साजिश थी ये, इंडिया सीधे लोग थोड़ी है, ये साजिशी लोग हैं इंडिया वाले। इनको जब कोई काम पाकिस्तान से करवाना होता है ना, ये पाकिस्तान को कह देते हैं ये काम नहीं करो, फिर पाकिस्तान से जाता है, ने बोला, हम जरूर करेंगे, हम जरूर करेंगे। उसी चक्कर में सीपेक के जरिए पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया। इमरान खान बिचारे और पीटीआई हुकूमत शर्मिंदा होती फिर रही है। दरअसल महंगाई की बुनियादी वजह, तिजारती खसारे की बुनियादी वजह, करंट अकाउंट डेफिसिट की बुनियादी वजह, बैरूनी कर्जे बढ़ने की बुनियादी वजह, मुल्क के अंदर दीगर और मुआशी मसाइल की जो जड़ है वो ये सीपेक है।